ओशो रजनीश जे कृष्णमूर्ति, ईश्वर के संबंध में उनकी क्या धारणाएं हैं वही जानेंगे। और लगभग जितने भी बुद्ध पुरुष रहे हैं, जिन्होंने भी बुद्धत्व को पाया है, लगभग सभी, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, श्री रामकृष्ण हो, विवेकानंद हो, ओशो रजनीश हो, जे कृष्णमूर्ति हो, अरविंद हो, कोई भी हो, हर किसी की धारणाएं ईश्वर के प्रति जो है वो एक अनुभूति है, जो कि अनुभव किया जा सकता है, किसी को समझाया नहीं जा सकता। जय कृष्ण मूर्ति ने ईश्वर के संबंध में बड़ी ही सरल धारणा दी है। उन्होंने कहा है कि हर एक व्यक्ति ईश्वर से परिचित है, एक एक मनुष्य ईश्वर शब्द से परिचित है, और सबसे परिचित होना ईश्वर को पाना नहीं है, ईश्वर को पाना पड़ता है। क्या आप में ईश्वरीय गुण है? क्या आप ईश्वरीय कर्म करते हैं? अगर नहीं तो आप कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकते हैं। मनुष्य की जैसी अवधारणा है, ठीक वैसा ही उसका ईश्वर भी है। इसीलिए हर धर्म के पास अपने अलग अलग ईश्वर होते हैं। उनकी धारणा है कि अगर ईश्वर है भी तो भी उनके होने से आपके समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उनका कहना है कि ईश्वर यानी कि सर्वशक्तिमान, दयालु, अनंत, न्यायाधीश, यानी कि सर्वगुण संपन्न, ऐसी ही इंसान की धारणा है। अगर ईश्वर ने इंसान को बनाया है तो वो ईश्वर का ही एक भाग हुए, यानी कि हम ईश्वर का ही एक भाग है, तो क्या हम में वो सर्वगुण, वो प्रेम या फिर वो अनंत हम है? नहीं है, या फिर हम हैं ऐसा होने का हम दावा करते हैं। अगर भगवान ने आपको बनाया है तो आप में एक असामान्य अस्तित्व होना चाहिए, सुंदर, दयालु, प्रेम पूर्ण, आनंद पूर्ण, पर आप ऐसे नहीं हैं। जरा ध्यान से निरीक्षण करना कि भगवान ने इंसान को बनाया है या फिर इंसान ने ही खुद भगवान को बना लिया है। भारत में हर एक व्यक्ति के पास अपने अलग अलग भगवान हैं, यानी कि पहले विचारों ने भगवान को बनाया, अब उसी विचारों की चित्र बनाकर आप लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, जिसे खुद विचारों ने बनाया, यानी कि स्वयं ही स्वयं की पूजा कर रहे हैं और उसे भगवान कह रहे हैं। भगवान तो आपका अच्छा भाग है, भगवान तो एक स्वर, तो एक अनुभूति है। आपने बनाए हुए भगवान को अपना सारा धन संपत्ति आप लोग दे आते हैं डर के मारे, उसके बाद आपको लगता है कि भगवान को आपका धन चाहिए, पर आपको भगवान को देने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, धन संपत्ति या फिर परंपरागत रीति नीति, इन्हीं सब के अलावा। भगवान को ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जैसे ओशो ने भी कहा है, वो तो आपके अंदर ही है। क्या आप प्रेम करते हैं भगवान से? नहीं, भगवान से प्रेम करना बहुत सरल है, जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, बहुत ही सरल है। क्या आपके अंदर प्रेम भाव है? जो आपका अत्यधिक प्रेम है वही भगवान है। फिर जब जय कृष्णमूर्ति को पूछा गया क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो उनका उत्तर था नहीं, क्योंकि ईश्वर कोई इंसान द्वारा बनाई गई वस्तु नहीं है, वो तो अनंत है, जो समय से परे हैं, जीवन के किसी भी बंधनों से मुक्त एक मन चाहिए, जो कि ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ से मुक्त एक मन, तभी आप ईश्वर को पा सकते हैं। ओशो रजनीश भी भगवान के संबंध में यही बात कहते हैं कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है जिन्हें आप स्वयं आंखों के सामने देख पाए, बल्कि एक अनुभूति है जिसे आप अनुभव कर सकते हैं। और जिन्होंने भी भगवान को पाया है सभी ने ईश्वर को एक अनुभूति बताया है। ओशो रजनीश कहते हैं कि ईश्वर को पाना एक ऐसा स्वाद चखना है, जब तक ना आप स्वयं उसे चख लो आपको उस चीज का अंदाजा या फिर उस चीज का अनुभव हो ही नहीं पाएगा। और जितने भी लोग ईश्वर के संबंध में आपको व्याख्याएं देते हैं, धारणाएं देते हैं, आप उन्हें सुन लीजिए, पर आप विश्वास किसी को मत कीजिए जब तक आपको ईश्वर का अनुभव खुद ना हो जाए। वो स्वाद ऐसा है, आप खुद चखे तो आप समझे कि वो क्या है। ओशो रजनीश ईश्वर परमात्मा के संबंध में बड़ी ही सुंदर व्याख्या देते हैं। तुम्हारी चैतन्य दशा जब इतनी निखार को उपलब्ध हो जाए कि उस पर कोई सीमाओं के बंधन नहीं रह जाते, जब सारी उपाधियां गिर जाती हैं, जब तुम बिल्कुल निरउपाधि हो जाते हो, जब तुम्हारी चैतन्य दशा इतनी शांत और आनंद मग्न हो जाती है कि उस पर एक विचार का एक तरंग तक नहीं उठता, जब झील बिल्कुल शांत परिपूर्ण हो जाता है,
तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारा ये झील कहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि तुम्हारा ये छोटा सा झील किसी विराट झील का हिस्सा है। तुम्हारा ये छोटा सा चैतन्य का दिया किसी विराट महासूर्य के किरणों का हिस्सा है। उस विराट चैतन्य का नाम ही परमात्मा ईश्वर है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि समष्टि में छिपी हुई शक्ति का नाम ही परमात्मा है। आप सभी ओशो रजनीश को पसंद करते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, फिर भी वीडियो को आधा अधूरा कर कर चले जाते हैं। वीडियो को पूरा देखना। ये मैंने छोटी सी बात कही ओशो रजनीश के संबंध में कि ईश्वर के संबंध में उनकी क्या धारणाएं हैं। वीडियो और भी अगर डिटेल्स में चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो, काफ़ी मेहनत भी लगती है वीडियो करने में, अच्छी लगी तो एक लाइक करना था।